रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। हड़बड़ाकर नींद टूट गई अनीता की। वो जल्दी से उठी और कमरे की लाइट जला ली, फिर पास की खिड़की को खोल दिया। इससे ठंडी हवा का एक झोंका उसके बदन को छू गया, पसीने से भींगा पूरा शरीर थोड़ा सा आराम पाया। फिर वो लौटकर अपने बेड के पास आई और बेड के उस कोने को देखा। अभी कुछ देर पहले सपने में उसने देखा था, वहां पर एक लड़की बैठी थी, अपने घुटनों को मोड़कर और एक टक उसे देखी जा रही थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी तरफ देखकर उसने कहा था, मेरी रूम में बनोगी। अजीब सा डर था, कांप उठी थी अनीता। पर शायद ये सब तो सपना ही था। इसके बाद रात किसी तरह से बिताई। अगले दिन सवेरे कॉलेज जाने के बाद कॉलेज की भागदौड़ में वो लगभग ये सब बातें भूल ही गई थी, पर जैसे ही शाम को वापस लौटी, कल रात के उस सपने की याद से सिहर सी उठी थी। अनीता पासी के एक छोटे शहर से यहां पढ़ने के लिए आई थी। यहां पर काफी कम रेंट पर ये रूम उपलब्ध हुआ था। बहुत खुश थी अनीता। घर में ऊपर की तरफ दो कमरे थे आमने सामने, उन्हीं में से एक कमरा अनीता को दिया गया था। नीचे मकान मालिक और उनका परिवार रहता था। एक तरह से ये फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से ही सुनसान सा ही था, पर खाना पीना यहीं मिल रहा था, ऊपर से रेंट भी बहुत कम था। अनीता बहुत खुश हुई थी और मकान मालकिन ने कहा था 2-4 दिन में एक और लड़की आ जाएगी, इसलिए अकेले रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ये 2-4 दिन ही बिताने थे। मगर अब अनीता को लग रहा था आज रात भी अगर वही सपना आया तो फिर ये 2-4 दिन बिताना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो अपने बेड के पास आकर बैठी। अचानक मकान मालकिन की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। और कैसा है? अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि वो जो तुम्हारी रूममेट है वो कल सुबह तक आ जाएगी, बस फिर तुम दोनों साथ में रहना, ठीक है? कहकर मकान मालकिन चली गई और तभी अनीता की नजर पड़ी बेड के पास रखे उस बड़े से काले पॉलिथीन में। ये कब यहां आया? तो क्या मकान मालकिन? मगर इतना बड़ा पॉलिथीन, इसमें तो किसी की बॉडी काट कर लपेटी जा सकती है। तो क्या तभी अचानक कमरा अजीब सी बदबू से भरने लगा और तभी अनीता के हाथ पांव कांप उठे। बंद पॉलिथीन में हरकत हो रही थी। होनो, ये क्या देख रही वो? और तभी एक हंसी से कमरा गूंज उठा। मेरी रूममेट बनोगी? चौंककर अनीता ने मुड़कर देखा, वही लड़की खड़ी है। क्या हो रहा है ये?
बाकी रात किसी तरह से जाकर ही बिता दी उसने। कॉलेज पहुंचकर काफी थका थका सा महसूस कर रही थी, तो रातों से ठीक से नींद नहीं हुई थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। ये सब सोचते सोचते कॉलेज खत्म कर शाम को जैसे ही घर पहुंची, अचानक मकान मालकिन ने ही उसका स्वागत किया। आओ देखो, तुम्हारी रूममेट आ गई है, अब तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। अनीता ने देखा सामने दो सूटकेस रखे हुए एक लड़की खड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई, लड़की भी उसे देखकर मुस्कुराई। हाय, मेरा नाम अनीता है। हाय, मेरा नाम शर्मनिष्ठा है, अब तुम मुझे शर्मी कह सकती हो। हाँ, आओ। दोनों रूम में चले गए। इसके बाद काफी देर दोनों आपस में बातचीत करते रहे, फिर खाने के समय खाना खाकर दोनों सोने चले गए। आज अनीता निश्चिंत थी, कम से कम आज की रात तो चैन से सो सकेगी। आफ्टर ऑल शायद अकेले कमरे में रहते रहते अजीब अजीब सपने आ रहे थे उसे। रात काफी बीत चुकी थी, अचानक अनीता की नींद टूटी। सपने से नहीं बल्कि किसी की गों गों जैसी आवाज से। उठकर आसपास महसूस किया तो शायद शर्मी की आवाज थी। वो तुरंत ही उठी और कमरे की लाइट जला दी। पाया जैसे शर्मी अपनी बेड पर छटपटा सी रही थी। उसने जल्दी से उसे हिलाया। शर्मी, क्या हुआ? शर्मी उठ बैठी। कुछ नहीं, थोड़ा पानी। अगली सुबह अनीता ने शर्मी से कहा, यहीं पास में एक अच्छी चाय की दुकान है, चलो चाय पी कर आते हैं। दोनों चाय पीने चले गए। चाय पीते पीते अचानक अनीता ने शर्मी से पूछा, अच्छा रात में तुम कह रही थी क्या सपना देखकर डर गई थी? क्या देखा था सपने में? हाँ, बहुत अजीब सा सपना था। मन ही मन ढेर सारा डर लिए अनीता उसकी बातें सुन रही थी। मैंने देखा एक बहुत ही डरावनी सी लड़की मेरे पैर के पास खड़ी है और मुझसे पूछ रही है उसकी रूममेट बनूंगी क्या। अनीता ने अचानक ही शर्मी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। उसका शरीर पसीने से भीग उठा था। अरे तुझे क्या हुआ? धीरे से अनीता ने शर्मी को बता दिया पिछली दो रातों से उसके साथ क्या हो रहा है। ओफ, बट यहां नहीं तो हम लोग कहां जाएंगे? इतनी मुश्किल से तो इतने कम खर्च में रूम मिला है, और अभी ये भी तो हो सकता है ये हम दोनों का वहम हो। सपने तो सपने होते हैं, क्या हुआ एक जैसे सपने देखे तो? कुछ दिन वेट कर लेते हैं। उस रात दोनों गहरी नींद में थे। अचानक अनीता ने देखा उसकी बेड से कुछ दूरी पर वही लड़की खड़ी थी, पर आज उसके साथ एक लड़का भी था, दिखने में वैसा ही भयानक डरावना। उसने अपने हाथों में वही बड़ा सा पॉलीथीन पकड़ा हुआ था। शायद इतने दिनों तक उसकी लाश उसी पॉलीथीन में बंद थी। अचानक वो लड़की धीरे धीरे अनीता की तरफ बढ़ने लगी और फिर अचानक उसके हाथों को पकड़कर जोर से खींच दिया। अनीता बिस्तर से जमीन पर धड़ाम से गिर गई। धड़ाम की जोरदार आवाज और अनीता की चीख की वजह से शर्मनिष्ठा की भी नींद खुल गई। वो चौंक उठी, अरे अनीता क्या हुआ? देखा तो जमीन पर बैठे हुए अनीता रो रही थी, उसके हाथों और पैरों में चोट लगी थी। शर्मी बोली, अरे क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिरी? और तभी उसने देखा अनीता के हाथ में अजीब से दाग थे। वो बोल पड़ी, अरे तुम्हारे हाथों में वो
ताक कैसे? अनिता ने भी अपने हाथों में देखा, जैसे जैसे किसी ने बहुत ताकत से उसके हाथों को दबाया हो। ठीक ऐसे ही दाग थे उसके हाथों में। रोते रोते वो बिस्तर पर आकर बैठी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कल ही अपने घर चली जाऊंगी। अगली सुबह दोनों मकान मालकिन के पास गईं और सारी घटना बताकर उनसे पूछा कि क्या उस कमरे में ऐसा कुछ है। मालकिन गुस्सा होते हुए बोली, यही ना तुम लड़कियों को लेके प्रॉब्लम है। एक तो कम रेंट पर तुम लोग को रूम दो, अच्छा माहौल दो, और न जाने कहां कहां से क्या क्या हॉरर फिल्में देख आती हो, और फिर ये सब सपने देखकर ये सब बातें बनाती हो। अभी तुम लोग ऐसी बात कर रही हो तो सामने वाला रूम किराए में जाएगा क्या? तुम लोग का क्या है, छोड़ के चली जाओगी, मगर कल को फिर दूसरा किराएदार भी नहीं आएगा। तुम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमरा छोड़ के जा सकते हो, मगर ये सब आलतू फालतू बातें मत फैलाओ, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनिता अपने घर की ओर चली गई। उसके जाते ही शर्मिष्ठा ने भी दो चार दिन वहां से जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर अनिता ने अपनी माँ को हाथों का दाग दिखाया। माँ तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले गई। घर के पास ही एक अच्छे डॉक्टर थे। परीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ब्लड एलर्जी की वजह से इस तरह के दाग हो जाते हैं, मगर कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए मैं दवाई देते रहूँ, ज़्यादा चिंता मत करिएगा, अगले हफ्ते फिर एक बार चेकअप के लिए आ जाना। तुम क्या समझ नहीं रही हो मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, जोर करके डॉक्टर साहब के पास ले गए, उनके पास इसका इलाज है क्या? तुम क्या कहना क्या चाह रही हो? मेरा ये सब वहम था। घर पहुँचते ही जैसे फट पड़ी थी अनिता। बेटी की बात को माँ भी इस तरह से भुला नहीं पा रही थी, इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए उनके एक पुराने पहचान के पुरोहित से बात की। उन्होंने कहा शाम को उनके घर आएंगे। शाम को अपने ठीक समय पर वो उपस्थित हुए। जगदीश चटर्जी नाम से काफी विख्यात तंत्र जगत और ज्योतिष जगत के व्यक्ति। थोड़ी इधर उधर की बातें के बाद अनिता ने अपना हाथ उन्हें दिखाया और हाथ को देखते ही वो चौंक पड़े। फिर सारी घटना अनिता ने उन्हें बता दी। वो बोले, लगता है उस घर में एक लड़का और लड़की की आत्मा है जो किसी कारण से मुक्ति नहीं पाई है। मुझे लगता है तुम्हारे मकान मालिक को सब कुछ पता है, मगर वो तुम्हें बताए नहीं। आस पड़ोसियों से पूछने या आस पास के थाने से पता करने पर सब कुछ पता चल सकता है। अचानक ही अनीता को एक बात याद आ गई। उसने अपने डरावने सपनों के बारे में मकान मालकिन से कुछ भी नहीं कहा था, मगर जिस दिन शर्मी आई तब उन्होंने उनसे खुद ही कहा था कि अब वो साथ रहेंगे तो उसे डर नहीं लगेगा। मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इसका मतलब वो सारी बातें जानती थी। तुम्हारी राशि हल्की है, इसी वजह से आत्मा तुम्हें छू सकी। तुम्हारी सहेली को डराकर वहां से भगाकर तुम्हें अकेला करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था, इसीलिए वो तुम्हारी सहेली को डराए। तुम उनका असली निशाना हो। पर मैं अगर वहां वापस न जाऊं, वापस लौटू ही नहीं, तो फिर तो कोई बात नहीं होगी। उन लोगों ने तुम्हारे मन की गहराइयों में अपना निवास कर लिया है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें वहां वापस लौटना ही पड़ेगा। सुनकर अनीता और उसकी मां दोनों जैसे कांप उठे, दोनों रोने लगे। अब क्या होगा? अचानक ही चटर्जी जी ने अपने झोले में से कुछ धूप कर्पूर जैसी चीजें निकाली और अनीता को देते हुए बोले, शाम के समय संध्या लगने के बाद कमरे में से जला देना। याद रखना, इसकी खुशबू ही उन आत्माओं को रोकने का एकमात्र उपाय है। इस तरह से कुछ दिन वहां रहने के बाद उनके बंधन छूट जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगी और तुम वापस लौट सकोगी। मगर एक बात याद रखो, जब तक वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तब तक तुम्हारा यहां वापस लौटना किसी भी हाल में संभव नहीं हो पाएगा। उस दिन रात में अनिता ने सोचा आराम से सोएगी, मगर नींद जैसे आंखों से दूर थी।
रह रहकर आंखों में वो कमरा आ जाता था। ऐसा लगता था जैसे जैसे वो कमरा उसे बुला रहा है। एक महिला की आवाज उसे आकर्षित कर रही है। मन में ऐसा होता था जैसे बहुत दिन घर से बाहर रहो तो घर जाने की इच्छा उठती है। ठीक वैसा ही होने लगा था। अगले दिन सुबह उठकर वो जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर शर्मी को भी उसने फोन कर दिया था कि वो लौट रही है, वो भी आ जाए। कमरे के पास पहुंचकर वो कुछ समय बाहर ही रही, शर्मी के आने का इंतजार करने लगी। शर्मी के आते करते करीब 7:15 बज गए थे। दोनों कमरे में प्रविष्ट हुए और तुरंत ही अनीता ने वो धूप और कर्पूर जलाना शुरू कर दिया। कमरा सुगंध से भर उठा, मगर अभी उनके लिए चौंकना बचा हुआ था। अचानक ही दोनों ने महसूस किया जैसे जैसे बहुत ही गंदी बदबू कमरे में फैल रही है। ठीक जैसे जैसे कोई सड़ी गली लाश पड़ी हुई हो। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि ये बांस वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ के एक छोटे से इलाके में ही थी। बाकी पूरा कमरा धूप की सुगंध से भरा हुआ था। थोड़ा सा आगे जाने पर धूप की खुशबू आती, मगर फिर पीछे आकर उस जगह पहुँचने पर वही सड़ी गली लाश की बदबू। अचानक ही शर्मी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गई अनिता और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तक बाहर भी हल्की हल्की धूप की सुगंध फैल गई थी। कुछ देर कमरे के बाहर ही वो इंतज़ार करने लगे और तभी अचानक धूप की वो खुशबू जली हुई बदबू में बदलने लगी। पहले थोड़ी थोड़ी और फिर बहुत ज़्यादा। अब कुछ जलन की बदबू आ रही है, अनीता ने पूछा। शर्मी ने हाँ में सिर हिलाया। दरवाज़ा खोल के देखना चाहिए हम लोगों को। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और दोनों चौंक पड़े। बेड पर चादर गद्दे सब आग में धू धू कर कर जल रहे थे। किसी अदृश्य हाथ ने जैसे धूप को उठाकर उनकी बेड पर गिरा दिया हो। मकान मालिक और पड़ोसियों की मदद से किसी तरह से वो आग बुझाई गई। बाद में मकान मालिक ने कहा, देखो बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत मेंटल टॉर्चर दे दिया मुझे। अब 2 दिन में घर छोड़ दो, दूसरे किराएदार से बात हो गई है, अब वो आएंगे। अब तो फैमिली वालों को ही रखूंगी। तुम जैसे लड़कियों को प्रोटेक्शन दो तो अपनी मेंटल डिसेबिलिटी और सोच से बदनामी करती हो। बहुत बदनाम कर लिया तुम लोगों ने मुझे, अब मुझे मेंटल टॉर्चर नहीं चाहिए। बस 2 दिन घर खाली करो। अगली सुबह ही दोनों पास के थाने के लिए निकल पड़े और वहाँ पर जाकर एड्रेस और वहाँ पर किसी लड़का लड़की के साथ हुई घटना के बारे में पता करने लगे। मगर बहुत मेहनत के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर थोड़े से पैसे खर्च करने पड़े और फिर पता चला असली कहानी। कुछ साल पहले उसी जगह पर एक लड़का लड़की पति पत्नी बताकर किराए पर आए थे। कमरे के फर्स्ट फ्लोर में वो दोनों रहते थे, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे और फिर पता चला वो पति पत्नी नहीं बल्कि लिव इन में रहने वाले कपल थे। और परिस्थितियाँ बुरी होते होते एक दिन अचानक दोनों गायब हो गए। करीब साल भर खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। एक दिन पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा और कमरे में जो परिस्थिति उन्हें दिखाई दी से सब चौंक उठे थे। कमरा काले जादू की बहुत सी सामग्रियों से भरा हुआ था और सबसे आश्चर्य था कि वो लड़का लड़की उस कमरे से ही गायब हुए थे, क्योंकि कमरे में आते तो उन्होंने कई लोगों ने देखा था मगर कमरे से बाहर जाते किसी ने नहीं। बंद कमरे से वो दोनों कहाँ गायब हो गए ये पुलिस आज तक नहीं जान पाई। लौटकर दोनों अपना सामान जमाने लगे। कल सवेरे ही वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। रात को ही किराए वगैरह का सब कुछ सेटलमेंट कर लिया। सुनकर मकान मालिक और मालकिन भी बहुत खुश हुए। अगली सुबह से ही मकान मालकिन ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सब कुछ तो जमा ही था, अब बस इस अपशब्द कमरे से निकल जाने की बारी थी। दरवाज़ा खोलकर अनीता बाहर आई। सामने मकान मालकिन खड़ी थी। अब नए किराएदार आ गए हैं,
उनका सामान कुछ देर में ही पहुंच जाएगा। तुम लोग तैयार हो तो? हाँ, बस सब चेंज कर लें, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, अनीता ने कहा। मकान मालकिन नीचे की तरफ जाने लगे। उनकी तरफ देखते देखते अचानक अनीता की नज़र सीढ़ी पर खड़े दो लोगों पर पड़ी, एक आदमी और एक औरत, शायद पति पत्नी हो, यही शायद नए किराएदार थे। मगर जैसे ही महिला के चेहरे पर अनीता की नज़र गई, वो जैसे एक बिजली का झटका खा गई। सामने जो खड़ी थी उसका चेहरा वो बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, वही चेहरा, होंठों पर वही हंसी, चेहरा वो अपने सपने में कई बार देख चुकी थी। उसने तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, माँ उस लड़की के बारे में तुम्हें मैंने बताया था जिसे सपने में देखा था मैंने, मेरा हाथ खींचकर मुझे अपने साथ ले जाना चाह रही थी, वो आज मेरे सामने है नए किराएदार के रूप में। फोन के उस तरफ से आवाज आई। हेलो, ये सब तू क्या बोल रही है? तूने ये मुझे कब बताया? अरे तो तुम्हारे पास मैं आई थी ना अभी 3-4 दिन पहले, मेरे हाथ में वो दाग था, तू मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, फिर वो चटर्जी महाराज को बुलाया था और उन्होंने वो। ये सब तू क्या बोल रही है? तू इस बीच घर कब आई और पुरोहित महाराज को कब बुलाया? क्या कह रही तू, सपना देख रही थी क्या? अचानक ही फोन काट दिया अनीता ने। हाँ, सपना ही देख रही थी शायद, मगर कौन सा सपना था और कौन सच्चाई वो समझ नहीं पा रही। सर घूमने लगा था उसका, किसी तरह से पास के दीवार में टिककर उसने खुद को संभाला। किसी अलौकिक शक्ति के दम पर सामने खड़े उन दोनों ने उसे जैसे एक समय चक्र में बांध लिया है। पुरोहित ने ठीक ही कहा था, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे इस चक्र से निकल पाना उसके लिए संभव नहीं है, वो अच्छी तरह से समझ गई थी। हो सकता है कमरे में जाकर शर्मनिष्ठा को भी ना पाए। मकान मालकिन ने उस दिन न डरने की बात शायद उसे ऐसे ही कह दी हो। हो सकता है अतीत में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, मगर भविष्य में क्या होने वाला है ये बात अनीता को पता चल चुकी थी, या फिर सब कुछ ही बेहोश होकर गिरने से पहले अंतिम बार उसने सामने खड़े उन दोनों को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो महिला धीमे स्वर में उसके कान के पास कह रही है, हे रूममेट होगी मेरी, हमारी।